डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना है, ताकि वे विकसित भारत संकल्प पत्र का आधार बन सके। पिछले 3 दिन से चले आ रहे इस अभियान के तहत मेरठ में भी आज इसकी शुरुआत हो गई। आज महापौर हरिकांत अहलूवालिया व राजेंद्र अग्रवाल आदि ने इसकी मीडिया को यह जानकारी दी। जो 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के माध्यम से सुझाव इकट्ठा करेगी और उन सुझावों को अपने संकल्प पत्र के अंदर शामिल भी करेगी। तो विकसित भारत का हमारा संकल्प, उसको लेकर के हमारे जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो जातीय वर्ग है और चाहे वो काम की दृष्टि से वर्ग है, वो सुझाव दे सकते हैं। व्यापारी हैं, हमारे उद्यमी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, उनके जो सुझाव होंगे उनको शामिल करके अपना संकल्प पत्र जारी। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि परम सदैव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जो भी डेवलपमेंट विकास हुआ है वो सबके सामने है। पूरे देश की जनता ने परम सदैव प्रधानमंत्री जी को बराबर आशीर्वाद दिया है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट विकास और जो राष्ट्र हित में जो कार्य हुए हैं, जो सरकारें पहले 55-55, 60-60 साल जिन्होंने इस देश पर राज्य किया है, मगर वो सिर्फ इस राष्ट्र को किस ओर ले गए थे वो आप सबकी जानकारी में है। परम सदैव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरीके से 35 से 370 राम मंदिर का निर्माण और पूरे देश में डेवलपमेंट, विकास, एक्सप्रेसवे, हाईवे, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का क्या एटमॉस्फेयर होता था पहले। मैंने इतने सारे उनके कार्य बताए तो यहाँ भी साथियों ने, किसी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज हो और बढ़े, किसी ने स्वास्थ्य के काम ज्यादा हो, किसी के कुछ इंडस्ट्रिया लगे जिससे व्यापार में, इस तरह के सुझाव उन्होंने मांगे हैं। और वो हर काम, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं तो वो हर काम जनता के सुझाव से करते हैं, ये कंसेप्ट वो इसलिए लाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरा।